ओम शांति। संगम युग पर हम अपना 21 जन्मों का भाग्य निर्माण कर रहे हैं। भाग्य की कलम हमारे हाथ में है, हम अपना जैसा भाग्य चाहे लिख दें। बाबा ने कर्मों की गुह्य गति, बड़ी रहस्यमयी गति हम सबको समझाई है। विचार कर लें, हम अपने लौकिक कार्यों के लिए, थोड़ा सा धन कमाने के लिए, एक जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए 8-10 घंटे रोज मेहनत करते हैं और 21 जन्मों का सर्वश्रेष्ठ भाग्य पाने के लिए केवल 1 घंटा। कितनी बड़ी भूल है, हमें लग जाना चाहिए ऐसा भाग्य मिल रहा है कि 21 जन्मों तक कुछ भी कमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, प्रारब्ध ही प्रारब्ध होगी। तो गुह्य गति की चर्चा बाबा ने इस तरह की है, जो अपने समय को सफल करेंगे वो लंबा काल राज भाग्य प्राप्त करेंगे। कितनी बड़ी बात है संगम युग के समय के महत्व को जानना। कलयुगी मनुष्यों के समय का महत्व अलग है, उनके लिए भी समय इम्पोर्टेंट है। किसी भी मनुष्य के लिए समय बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होता है, परंतु हम सबके लिए समय अनमोल खजाना है। एक एक सेकंड में हम बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कमाई कर सकते हैं। कितना बड़ा राज बताया जो अपने एक एक सेकंड को ईश्वरीय कार्यों में, योग युक्त अवस्था में, ज्ञान के चिंतन में व्यतीत करते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होगा, लंबा काल राज्य अर्थात कई जन्म उनके सिर पर ताज आ जाएगा। दूसरी गुह्य गति सुन लें, जिन्होंने अपने श्वासों को सफल किया, श्वास श्वास याद में बिताए, श्वास श्वास दूसरों को सुख देने में बिताए, उनका कभी श्वास बंद नहीं होगा। चारों युगों की गारंटी हो जाएगी, उन्हें कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, वो सदा स्वस्थ रहेंगे। श्वासों का बड़ा गहरा नाता है हमारे स्वास्थ्य से, तो हम एक एक श्वास को पूरी तरह सफल कर लें, यही हमारी बुद्धिमानी है। ज्ञान के अनमोल खजाने को जो लोग सफल करेंगे, अर्थात ज्ञान को यूज करेंगे, ज्ञान मिला है हमें, उसकी सफलता है कि हम ज्ञान सबको दें, हम ज्ञान को वैल्यू दें, हम ज्ञान धन बांटते रहें, हम ज्ञान के द्वारा दूसरों को अच्छी गाइडेंस दें, हम ज्ञान के द्वारा दूसरों की समस्याओं का समाधान करें। ऐसा करने वालों को किसी भी जन्म में बुद्धि की कमी नहीं रहेगी, और जब वो राजा होंगे तो उन्हें अपने वजीरों की भी आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं ही सबसे अधिक बुद्धिमान होंगे। और जिसने अपने स्थूल धन को सफल किया होगा, वो धन धान से भरपूर रहे होंगे, और जिन्होंने अपने धन को खाने पीने में, व्यर्थ में, दुनियावी शौक पूर्ण करने में लगा दिया, उनको धन का अभाव रहेगा। भले ही सत्युग त्रेता में अथाह धन संपदा है, पर कंपेरेटिवली उनके पास बहुत कम होगी। तो आइए हम अपने सभी खजानों को सफल करें, शक्तियों को सफल करेंगे तो सदा शक्तिशाली बनकर रहेंगे, उनके राज्य में किसी भी शक्ति की कमी नहीं होगी। प्रकृति भी समय पर सब कुछ करेगी, मर्यादाओं के अनुकूल काम करेगी। तो हम सभी इस बात पे बहुत ध्यान दें कि हम अपने सभी खजानों को पूरी तरह सफल करें। तो आज सारा दिन हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, अपने भाग्य को सामने देखेंगे, हमारा देव स्वरूप जिसमें हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं।
हमारा पूज्य स्वरूप जिसमें हमारी जड़ मूर्तियां भी दाता हैं, हमारा फरिश्ता स्वरूप जिसके द्वारा हम विश्व का कल्याण करेंगे। तो इन पांचों स्वरूपों को हर घंटे में एक बार बहुत अच्छी तरह स्मृति में लाएंगे, इससे व्यर्थ पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।